3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी फौज ने दावा किया था कि उसने रॉ के एक बड़े एजेंट को पकड़ा है जिसका नाम कुलभूषण जाधव है। 1 साल 1 महीना और 7 दिन बाद अब कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मौत की सजा सुना दी है। कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था लेकिन मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल करने की बजाय फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया और पाक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने इस फैसले पर मोहर भी लगा दी। इस बात पर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि एक भारतीय नागरिक को पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई लेकिन उसके मुकदमे के ट्रायल के बारे में इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को जानकारी तक नहीं दी गई। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तलब करके दूटू कहा है कि अगर जाधव को फांसी दी गई तो ये परमिटेड मर्डर ही माना जाएगा। भारत पहले ही कह चुका है कि कुलभूषण जाधव नौसेना के पूर्व अफसर है जो ईरान में बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उन्हें ईरान से किडनैप किया है और रॉ एजेंट बताकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की। पाकिस्तान के दावे की सच्चाई जानने के लिए भारतीय हाई कमीशन ने 13 बार कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मांगा जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। कुलभूषण जाधव के कथित इकबालिया बयान के अलावा कोई सबूत नहीं था। ये बात पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सलाहकार सरताज अजीज ने भी सीनेट में कबूली। वो एक बिजनेस टूर के हिसाब से ही काम कर रहे थे, मिलिट्री से रिटायर हो चुके थे, हमको पता था। लेकिन वो पाकिस्तान ने उनको वहां बलूचिस्तान से पकड़ा, बोल रहे हैं ईरान, बोल रहे हैं कि भाई हमारे देश से उसको निकाल के वहां लेके गए। तो ये पाकिस्तान का सब रवैया ही एकदम संदेहजनक। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी की चीज कभी थी नहीं, वहां वो तो जंगल राज पर ही पनप के आए हैं। उनका पूर्वज भी हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में जितनी मारकाट उन्होंने की है किसी ने नहीं की थी। तो आज हम लोगों को जागना चाहिए, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से कोई ऐसी कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इंडिया पाकिस्तान की भी दोस्ती होनी चाहिए, उस गलत फ्रेम से और भ्रम से मुक्त होकर आज हमें निश्चित तौर पर पाकिस्तान को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी करनी चाहिए। इन चीजों पे फांसी नहीं लगती है आमतौर पे। जो दो मुल्कों में जिसमें रिश्ते ठीक होते हैं, हमारा कोई आज की तारीख में कोई जंग तो नहीं चल रहा है आपसी, लेकिन इस समय ये क्यों हो रहा है ये पाकिस्तान से जरूर पूछना चाहिए कि भाई आप तो दोस्ती की बात कर रहे हैं, आप तो बातचीत की बात कर रहे हैं, फिर इस तरह का रिएक्शन क्यों? तो सवाल बिल्कुल सही है, टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार टाइमिंग ये क्यों। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विवेक काजू जी जुड़ गए हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी है विदेश मंत्रालय के। अशोक सज्जनहार साहब हैं जो कि एक्स एम्बेसडर हैं, वो मेरे बगल में बैठे हुए इस वक्त। पीजे मीर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, वो स्काइप से मेरे साथ जुड़ेंगे। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं और प्रकाश पांडे हमारे सीनियर एडिटर जो विदेश मंत्रालय कवर करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले दलबीर कौर जी आपको जाना है इसलिए मैं आपसे जुड़ूंगा। आज जो मामला हुआ है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मिलिट्री कोर्ट ने सिविलियन आदमी को सजा सुना दी हो। आपको क्या लगता है पाकिस्तान जानबूझकर भारत को उकसा रहा है क्या? पकड़ा था, मैंने उसी दिन शंका जताई थी कि पाकिस्तान ने जबरदस्ती पकड़कर आज इनको भी रॉ एजेंट बोल दिया, इन पर भी वही आरोप लगेंगे, वही सब कुछ होगा। और बिल्कुल समानता है दोनों केस में, सरबजीत और जाधव के केस में, जैसा कि 1 साल के बाद उसे भी सजा सुना दी थी, उससे भी कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला, कोई फर्जी मुकदमा, फर्जी गवाह, सब फर्जी हुआ था। आज जाधव के केस में भी वही हुआ, 1 साल के बाद आज हम वही सब सुन रहे हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी ही तो सब कुछ करती है। सरबजीत को भी आर्मी ने पकड़ा, सरबजीत को भी आर्मी ने मारा, सरबजीत के लिए भी सब कुछ आर्मी ने किया। अंदर जेल के अंदर आर्मी के ऑफिसर ही तो जाते हैं। तो इन्होंने जो दूसरी अदालतें बनाई हुई हैं सिविल, वो किस काम के लिए हैं?
जब इनके आर्मी ने ही सब कुछ करना है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हम लोग इनके झांसे में आ जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। हम मान लेते हैं कि नहीं, जो अब ये कह रहे हैं शायद हमारे साथ इंसाफ होगा। इनसे इंसाफ की उम्मीद करनी, इनके ऊपर भरोसा करना अपने आप को धोखा देने की बात है। हमारे सरजीत को कभी इन्होंने छोड़ने की बात की, कभी कुछ किया, जो कुछ हुआ था आज, मेरा तो सच में दिल उस बात को लेकर डर रहा जो सरजीत के साथ हुआ। मैं कहती हूं कि ईश्वर करे जल्दी से यादव रिहा होकर घर आ जाएं, और इनके इनसे उम्मीद करनी, इनसे इंसाफ की आस लगानी, हम अपने आप को धोखा देंगे। इनके झांसे में हमें नहीं आना चाहिए जो भी ये करते हैं। ये अगर वे रॉ एजेंट था भी, मान लो कि वे रॉ एजेंट था, आपने उस पर इतने शारीरिक अत्याचार किए होंगे जिस वजह से सरजीत ने भी माना, आज यादव ने भी माना, तो आप इतने अत्याचार करते हो, आपके आर्मी ऑफिसर जाकर पैरों से मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो जो मुझे सरजीत ने बताया और जो दिखाया सब कुछ आज वही है। तो जो आप इस तरह से बोलोगे, मेरे साथ अभी कोई दो डंडा मार दे, मैं भी कहूंगी कि हाँ मैं इसके लिए काम करती हूं, उसके लिए काम करती हूं। यदि वे जासूस भी था तो वो कौन सी देश का कानून है जिसमें ये लिखा है कि एक जासूस को सजाए मौत दी जाए, उसे जल्दी से आप सुना देते हो सजाए मौत, आपकी आर्मी सुनाती है। हमारे जो हमारे देश के अंदर जो आकर आपके लोग गुनाह करते हैं, आप तो इतने गायर और गद्दार लोग हो कि अपने आपके अपने लोगों को अपना ही नहीं मानते हो, कहते ही नहीं हो कि ये हमारे ये नागरिक है, और आप तो उनसे मुकर जाते हो कि ये हमारे नागरिक है, आप तो उनके लिए भी खड़े नहीं होते हो। बिल्कुल ठीक कहा, चाहे कसाब की बात हो, चाहे करगिल में जो शहीद हुए उन लोगों की बात हो, करगिल के शहीद जो भारत के लोग थे, उन्होंने जापानी के साथ जो भारत घुसकर लोग आ गए थे आतंकवादी, आपके पाक के जो सेना के रेगुलर घुसकर आ गए थे, उनसे कड़ी तौर पर मुकाबला किया था। भारत ने बकायदा उनकी बॉडीज दिखाई थी, सबूत दिखाए थे कि किस किस प्लाटून के, किस किस बटालियन के वो लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बॉडी तक नहीं ली। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो अप्लाई नहीं होता पाकिस्तान के लिए। मीर साहब देखिए, ये जो सिलसिला हमने देखा है, फॉर एग्जांपल कुलभूषण यादव का, नेचुरली जब वो पकड़े गए तो एक उनकी स्टेटमेंट सबने सुनी है। अब इसमें कितना सच है कितना गलत है ये तो मैं कहूंगा अल्लाह ही बताएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको अप्रिहेंड हुआ है, उन्होंने कन्फेशन किया है, और वो सिविलियन नहीं है, वो एक एक्स कमांडर है इंडियन नेवी के, और उस कैपेसिटी में उनको पकड़ा गया है। हाँ, अगर सिविलियन होते तो इनका बिल्कुल एक ट्रायल होता एक सिविलियन कोर्ट के अंदर, लेकिन बिकॉज इनका एक कनेक्शन एक नेवी के साथ रहा है तो नेचुरली एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का खेल है और उसमें ये फांसी दी है, जिसपे मेरे पास भी एक नहीं है। बड़े लोग कहेंगे हाँ बड़ा अच्छा काम हुआ है कि जी फांसी दे दी है, ये नो, फांसी देना इज नॉट द आंसर। देखो, पाकिस्तान के भी जासूस वहां जाएंगे, हिंदुस्तान के भी जासूस यहां आएंगे, कोई यहां पकड़ा जाएगा कोई वहां पकड़ा जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट एन आंसर कि आप कभी हिंदुस्तान में फांसी दे रहे हैं, कोई किसी को पाकिस्तान में फांसी दे रहे हैं, दिस इज नॉट द आंसर। मैं समझता हूं कि अगर कोई पकड़ा भी जाता है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं, मीर साहब आप भूल गए जो कसाब, जो खुलेआम जिसने गोलियां बरसाई, जो रंगे हाथों पकड़ा गया, पुलिस ने उसको पकड़ा, उसने जवाबी फायर किया, उसके बाद भी उसको फेयर ट्रायल दिया गया। अगर हम चाहते तो हम भी मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल कर सकते थे, क्योंकि आखिरकार कोई बिना मिलिट्री ट्रेंड हुए इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ सकता किसी एक देश के महानगर में आकर। देखिए, ये तो एक स्पेकुलेशन है कि जी वो मिलिट्री है या ये है, उसने कन्फ्रंट किया है इंडियन पुलिस को और इंडियन पुलिस के साथ उसकी एक कन्फ्रंटेशन हुई है, जो कि मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसने उसका एक मैं कहता हूं कि हतमी अंजाम पहुंचाया। एट द एंड ऑफ द डे वेदर इट इज इंडियन पुलिस, पाकिस्तानी पुलिस और एनी पुलिस, अगेंस्ट स्टेट जो काम करेगा उसका हाल वही होगा, मैं समझता हूं जो अजमल कसाब का है या कुलभूषण यादव का या कोई भी हो। हमने ये लंबी हमने छोटी चीजों पे नहीं जाना, एक अननेसेसरी मैं कहूंगा कि एक बहस पे नहीं जाना। नहीं, आप बड़ा दिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आपके हुक्मरानों का दिल बड़ा छोटा है। दलबीर जी कुछ कहना चाहती है जी। दलबीर जी, ये बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं, जो इनके दिल में है इनके मुंह से वो निकल रही है। बड़ा दिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो जहर है ना वो तो निकल रहा है। वो कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
अरे क्या उनके मात्र एक मान लेने से कि मैं आपके अत्याचार को भुगतते हुए अगर उन्होंने मान लिया कि मैं रॉ के लिए काम करता हूं तो उसे सजाए मौत दे दोगे? आपके कितने यहां पर जासूस पकड़े हुए हैं, हमारी कितनी अदालतों ने उनको सजा सुनाई है, हमारी आर्मी ने कितनों को मारा है, कितनों को सजा सुनाई है, हमने कितने आपके लोग टांगे हैं? आपका एक कसाब जो सरेआम पकड़ा गया था सब कुछ करते हुए, सजाए उसके और किसी उसमें भी हमारी आर्मी का कोई दखल अंदाजी नहीं थी। आपकी आर्मी को अधिकार किसने दिया है कि वे जाकर एक इंडियन को पकड़े, जबरदस्ती पकड़ लो, रॉ एजेंट बना लो, कह दो जी या रॉ का एजेंट और उसे टांग दो? ये कहां का इंसाफ है? आप कौन से खुदा को मानते हो, कौन से कानून को मानते हो? आपके जहां जितना अंधा कानून है, अगर उसने कोई जघन्य अपराध किया होता तो आज वहां पर अदालत के अंदर वो सारे सबूत पेश किए गए होते, ट्रायल में लोगों ने उसे देखा होता, माना होता, उसके तमाम सबूत होते। यदि आपके पास सबूत है ऐसे कि इसने जघन्य अपराध किया था, इसकी यह सजा बनती है, तो हमारी सरकार को सौंपो ना, हम आपको सौंपते हैं। हमें दलबीर कौर जी के साथ संपर्क टूट गया। मीर साहब, मैं क्विकली आपके आंसर के लिए आता, लेकिन मुझे दलबीर कौर जी से जुड़ने का और इंतजार है क्योंकि मेरे पास कुछ पॉइंट्स और है। दलबीर जी बताइए। हाँ, यही मैं कह रही हूं कि इनके आर्मी को अधिकार किसने दिया कि मात्र एक इतना कह देने पर आप उसको कहती हो कि इसका बनता है कुलभूषण हो या कोई और हो? तो मैं भी यहां पर मांग करती हूं अपनी सरकार से, अपनी आर्मी से, जेल प्रशासन से, जिस जिस जेल के अंदर, भारत की जेलों के अंदर इनके पाकिस्तानी पकड़े हुए हैं, सबको निकालो बाहर और टांगो। इनको पता लगे जैसे को तैसा जवाब देने का समय। बताइए हामिद मीर जी, बताइए हामिद मीर जी, बिल्कुल सीधा सवाल है, आपको तो ये नहीं पता कुलभूषण यादव पर स्पेसिफिक, आपको तो ये तक नहीं पता कि कुलभूषण यादव पर स्पेसिफिक आरोप क्या है? आप इसी बात को लेकर कंफ्यूज है मीर साहब। देखिए दीपक, नंबर वन, ये जो फरमा रही हैं, पहले तो ये कह रही हैं कि आपके दिलों में जहर है। मेरे दिल में जहर नहीं है, मैं बड़ा क्लियर उस चीज पे। मेरे अगर आप पीछे तस्वीर भी देखेंगे, ये महात्मा गांधी जी हैं जो कि मेरे वालिद साहब के साथ हैं। ये 1934 बिहार की तस्वीर है यहाँ, और जो मेरे वालिद साहब ने गांधी जी के मुतालिक बताया है कि ही वॉज अ पीस लविंग मैन, ही वॉज अ गुड मैन एंड ही वर्क विद हिम, ये मेरे पीछे है तस्वीर। नाउ जिस आदमी ने हिंदुस्तान को आगे लेके गया है, हम उनकी भी बात सुनते हैं, और मैं कहूं कि यार गांधी जी इस तरह थे तो मेरे पे मैं समय शर्म का मकाम है। हमें हर एक को एक फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। हमें अगर आगे जाना है बहसियत एक इंसान के, तो हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। यस, आई डू एग्री कि अगर कोई जासूस आप पकड़ते हो उसको फांसी नहीं देते हो, आप उसको एक दूसरी को पनिशमेंट दे देते हो, आप उसको अंदर जेल में रखते हो, लेकिन इसके बाद अगर कोई डिसीजन आता है तो ये जहर उगलना कि सबको टांग दो, सबको ये कर दो, हम क्या कर रहे हैं एक दुश्मनियों के इस मैं समझता हूं एक, अब मैं तो कहूंगा ये डिसीजन ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन ये दुश्मनी अगर किसी ने बढ़ाई है, अगर इस कंट्रोवर्सी को किसी ने बढ़ाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि चाहकर भी काउंसलर एक्सेस 10 से ज्यादा बार मांगने पर भी काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया। विवेक काटजू जी के पास चलूंगा। काटजू जी, ऐसे जब मामले होते हैं तब आपको क्या लगता है कि काउंसलर एक्सेस को लेकर इतनी सख्त होती है दूसरी सरकारें कि चूंकि पाकिस्तान और भारत के बीच जासूसी का मसला है इसलिए काउंसलर एक्सेस ही ना दिया जाए? आपको अचरज लगता है पाकिस्तान के इस बिहेवियर से? देखिए, कुलभूषण जाधव एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, इसलिए उन पर जो भी इल्जाम लगाए गए वो तो बेबुनियाद है ही। लेकिन उस जब मार्च 2016 में पाकिस्तान फौज ने बहुत ऐलान किया कि उन्होंने उनको आतंकवाद और स्पाइंग के लिए पकड़ा है, और उसके बाद जब भारत ने मांग की कि हम मिलना चाहते हैं, काउंसलर एक्सेस दीजिए क्योंकि उनकी हैसियत एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की है, तब ये पाकिस्तान का फर्ज बनता था अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कि उनको काउंसलर एक्सेस दी जाए और भारत उनसे, भारतीय नुमाइंदे उनसे बातचीत कर सकें कि उनका और उनकी मदद कर सकें। ये तो साफ तौर से पाकिस्तानी सेना मोदी सरकार को ललकार रही है, वो चाहती है कि किसी तरह मोदी सरकार के लिए एक एम्बैरेसमेंट क्रिएट की जाए और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हो, और बाजवा साहब जो पाकिस्तान के अब नए सेना अध्यक्ष बने हैं
वो अपनी सेना को और पाकिस्तान की आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ही एक मजबूत सेना अध्यक्ष है। हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी अब मिलिट्री कोर्ट्स में जो किया गया है वो ये ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा हो कि भाई ठीक है, ये आजकल एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है, लेकिन एक भारतीय रिटायर्ड नेवल ऑफिसर पे जिसको किडनैप करके उसके साथ ये सब करना, ये तो फिर जैसे मैंने कहा एक चैलेंज है हमारे लिए। और अब हमें देखना है कि मोदी सरकार कैसे इसको हैंडल करेगी। एम्बेसडर साहब, क्या विकल्प बचते हैं मोदी सरकार के सामने, क्योंकि अब तो कोई विकल्प पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं है, मौत की सजा सुना दी है, बाजवा साहब ने इंडोर्स कर दिया है। जी अगर आप मुझे इजाजत दें दो शब्द मैं इससे पहले कहना चाहूंगा। देखिए जो अभी बताया एम्बेसडर विवेक ताजू साहब ने, पिछले साल मार्च में इनको वहां से गिरफ्तार किया गया, 13 मार्च जी, वो कहते हैं बलूचिस्तान से, पर हमारा कहना मानना है जो शायद वो बॉर्डर, क्योंकि पोरस बॉर्डर है उस तरफ से, चाबहार में वो काम करते थे, वहां से भी उनको लाया जा सकता है। पूरे मामले में एक तो ठीक है कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया है, हमने कितनी बारी मांगा है, और वियना कन्वेंशन कॉन्सुलर रिलेशंस में ये उनके ऊपर वाजिब है, जो हमको वो हमारी हाई कमीशन के लोगों को जाने का मौका दें और वहां पर उनसे बात करने का ये मौका दिया जाए। पूरी ट्रायल में एक साल में कोई ना तो एविडेंस बताया गया है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई ओपननेस है। ये तो जैसे ट्रंप पर चार्जेस हैं, हमने कहा है केवल एक एविडेंस के ऊपर, और जैसे कहा गया है ये तो स्पाइंग बड़ा पुराना प्रोफेशन है, ऐसी बात तो है नहीं जो आपने स्पाई पकड़े। अब ये जो उनकी हाई कमीशन में आईएसआई के लोग हैं वो भी क्या काम करते हैं, स्पाइस हैं वो तो ये तो स्पाई नहीं था ना। नहीं मैं कह रहा हूँ, नैप करके लाया गया, पकड़ा गया, इसके तो स्पाई होने का कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, 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 नहीं। देखिए मुझे थोड़ा सा वो कहने दीजिएगा, अगर तो स्पाई हो भी तब भी क्या आप उसको मौत के घाट उतार देंगे, वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं चलता है। और जो ये प्रयास कर रहे हैं जो उसका और अजमल कसाब का एक इक्विवेलेंस दिखाया जाए, वो तो बिल्कुल ही नावाजिब है, क्योंकि अजमल कसाब को तो एविडेंस, उन्होंने तो उसने तो अपने बंदूक से लोगों को मारा, लोगों को वो किया। तो जो यहां पर है इनको दोनों को साथ मिलाना, ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और जैसा भारत सरकार ने अब कहा है, जो अगर उसको फांसी दी गई, हालांकि मैं देखता हूं जो इसके बाद अब अपील का वो आगे चलेगा, अपील का वो होगा, तो उसमें देखते हैं जो वो किस प्रकार का एविडेंस सामने लाते हैं, परंतु बिल्कुल ये ललकार है। मुझे मैं बता दूं बात, देख अशोक जी काजी साहब, मैं आपके पास तुरंत आता हूं। अपील नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स में, कोई अपील नहीं, सिर्फ ऑफिस ऑफ अपील क्या सर? हाँ। सिर्फ राष्ट्रपति के साथ सामने दया याचिका लगा सकते हैं, वो भी मानवीय आधार, मर्सी पिटिशन वो कर सकते हैं वो। हाँ शायद वो, हाँ मर्सी पिटिशन अलग चीज है जी, परंतु उसमें भी अगर हमें देखना होगा, अगर किसी प्रकार का एविडेंस या कुछ वो आगे आता है या नहीं आता है, अगर ऐसी बात है जो कोई अपील नहीं है और बिल्कुल कोई वो उसमें एविडेंस नहीं आता, तो बिल्कुल ये तो मौकरी हो जाएगा जस्टिस का। दूसरी देखिए, जो एक प्रश्न उठाया गया है, जो ये क्यों इस समय इस बात को उठाया गया है, तो मैं तो ये देखता हूं हमको थोड़ा समझ ये भी सोचना चाहिए, जो अब चीन के साथ हमारे जो बातचीत हुई है, जो इतना तनाव हुआ है अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा जी को लेकर, और उसका और ये इतना प्रोवोकेशन जो ऐसे ललकार दी है उन्होंने, इसका क्या आपस में कुछ संबंध है या नहीं है, ये हमको सोचना पड़ेगा। ये हमको सोचना पड़ेगा और टाइमिंग के बारे में खास तौर से सोचना पड़ेगा। जितने भी हमारे थिंक टैंक हैं, जितने भी हमारे चिंतक हैं, जितने भी हमारे राजनयिक हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने ये वक्त आखिरकार क्यों चुना है। ब्रेक के बाद तो पीजे मीर साहब, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं मैं, इसका ऑडियो आप जरूर सुन सकते हैं, वीडियो शायद नहीं देख सकते, लेकिन इस ऑडियो को सुने और
उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कमेंट्री में अपनी कि किस किस तरह की जालसाजी या फर्जी वाला किया गया है कुलभूषण जाधव के टेप के साथ, जो तथाकथित उसका इकबालिया बयान है उसको भी समझाएंगे प्रकाश पांडे। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कुलभूषण जाधव का इकबालिया बयान। पाकिस्तान के झूठ का सबसे बड़ा सबूत। आई एम कमांडर कुलभूषण जाधव। आज फिर खुलेगी पाकिस्तान की पोल। 4155 जिली। आई एम सर्विंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी। सामने आएगा इकबालिया बयान का सच। माय कवर नेम वाज हुसैन मुबारक पटेल। आज फिर से बेनकाब होगा पाकिस्तान। सुना आपने, अगर पाकिस्तान के इस फर्जी कबूलनामे को माने तो कुलभूषण जाधव नाम का एक शख्स इंडियन नेवी का कमांडर है जो बाद में रॉ के लिए काम करने लगा और इसी सिलसिले में ये पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया। इस करीब 6 मिनट के वीडियो में कुलभूषण जाधव खुद को न सिर्फ हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बता रहा है बल्कि वो ये भी कह रहा है कि वो भारत सरकार के कहने पर पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। सम बेसिक असाइनमेंट्स विद इन इंडिया फॉर रॉ। आई वाज पिक्ड अप बाय रॉ इन 2013। लेकिन अब हम आपके सामने इस वीडियो का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, इसके बाद इस वीडियो की हकीकत आप खुद समझ जाएंगे। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि एक पल के लिए भी जाधव ने कैमरे की तरफ नहीं देखा। इसके सामने कैमरा और कैमरा लाइट लगी है, ये बात जाधव के पीछे दीवार पर बनती परछाई से साफ है। लेकिन फिर भी जाधव ने एक बार भी कैमरे की तरफ नहीं देखा। साफ है कि जाधव के सामने कुछ ऐसा है जिसे पढ़कर वो अपना बयान दे रहा है। कई बार बोलते बोलते उसका झिझकना साफ करता है कि वो कुछ पढ़ रहा है, ना कि वो अपने मन से बयान दे रहा है। यकीन नहीं तो ये सुनिए। द मेन इश्यूज रिगार्डिंग दिस वर दैट दे वर प्लानिंग टू कंडक्ट सम ऑपरेशंस विद इन द नेक्स्ट इमीडिएट फ्यूचर नियर फ्यूचर। ये तय है कि बंद कमरे में जाधव के सामने यकीनन कुछ लोग होंगे, लेकिन उसकी तरफ कैमरा एक बार भी नहीं घूमा, न ही इस वीडियो में उसकी तरफ से किसी सवाल को शामिल किया गया। आखिर क्यों? पहले इस तस्वीर को देखिए और अब इस तस्वीर को। दोनों तस्वीरों में जाधव बैठा तो एक ही सोफे पर है, लेकिन उसकी पोजीशन बदल रही है। क्या ये मुमकिन है कि 6 मिनट के अपने वीडियो में दिए गए बयान में जाधव बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा हो? साफ है कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो प्रायोजित था। वीडियो में कई जगह जाधव के हंसते हुए कटावेस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उन्हें इसके इकबालिया बयान पर सिर्फ इसीलिए लगाया गया ताकि ये लगे कि उसने ये बयान किसी दबाव में नहीं बल्कि हंसते खेलते अपनी मर्जी से दिया है। हैरानी की बात यह भी है कि 6 मिनट के वीडियो कन्फेशन में जाधव के वीडियो में 102 वीडियो जंप हैं। वीडियो जंप यानी वीडियो को अलग अलग कैमरे से दिखाना या फिर बीच में किसी और तस्वीर को डालना। इसका इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग में कहीं की बात को कहीं और जोड़ने के लिए किया जाता है। खास तौर पर इकबालिया बयान सिर्फ एक कैमरे से शूट किए जाते हैं और उसमें बयान देने वाला शख्स कैमरे में देखकर जवाब दे रहा होता है और बीच बीच में इंटरोगेशन करने वाले के सवाल भी होते हैं। अगर कुलभूषण का बयान साफ सुथरा और वाकई बिना किसी दबाव में लिया गया होता तो फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? साफ है कि बयान जाधव को किसी झांसे में लेकर उससे लिया गया था, क्योंकि भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि जाधव एक कारोबारी है जिसे संभवतः ईरान से तालिबान ने किडनैप कर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को बेच दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे भी। प्रकाश, क्या क्या लूप होल है जो ये साबित करते हैं पूरी तरह से कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई? दीपक, 358 सेकंड का कुल वीडियो है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो अगर कन्फेशन का कोई वीडियो होता है तो एक सिंगल कैमरे से शूट होता है और अगर कोई जो व्यक्ति है उससे बातचीत करता है तो कोई सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा कैमरे हैं? यहाँ पर 3 से 4 कैमरे हैं। साफ तौर पर पूरी लाइटिंग है, पूरे साफ तौर पर लग रहा है कि उनको जो है बताया जा रहा है और टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है। टेलीप्रॉम्प्टर वो पढ़ रहे हैं, बीच बीच में जो है कैमरा
जो है दूसरे कैमरे को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कट हो रहे हैं, कट होते वक्त जो है जो कट होता है ऑडियो लिपसिंग प्रॉपर नहीं है तो उस वक्त जो है वीडियो लगाया जा रहा है उनका हंसते हुए या उनके हाथ के मूवमेंट का, जो कि बहुत आम है जब हम कोई एडिटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त, ताकि शब्दों को हम जोड़ सके। तो इसमें पूरे तौर पर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई कन्फेशन का कोई वीडियो है और इसको पूरे तौर पर प्रचारित किया गया, पूरे पाकिस्तान के सारे टीवी चैनलों पर यह दिखाया गया और इसी को एकमात्र सबूत बताया गया कि ये उनका कन्फेशन है और इसके आधार पर हम इनको सजा दे रहे हैं। हालांकि उसके बाद जो है काफी दिनों तक मामला दबा रहा, पर ये पूरी तरह से वीडियो जो है डॉक्ट्रिन है और उसको उन लोगों ने यूट्यूब पे भी डाला, जिस तरह से सोशल मीडिया पे पाकिस्तान लगातार अपनी चीजों को प्रायोजित करता रहा है तो इसको बहुत ज्यादा प्रायोजित किया गया। और 358 सेकंड के वीडियो को कोई भी अगर व्यक्ति जिसको ज्यादा तकनीकी जानकारी नहीं वो भी साफ तौर पर बता सकता है कि ये कहीं से भी जो है कन्फेशन का जो है वीडियो नहीं है, ये तमाम तरीके से प्रोफेशनल तरीके से शूट किया हुआ है और कोई बार बार ताकीद भी कर रहा है कि अब आप ऐसे करिए, अब आप अपने हाथ का मूवमेंट दीजिए, बीच बीच में यहां तक कि उनको मुस्कुराने का हंसने का भी जो है वीडियो शूट किया गया है ताकि ये लगे कि वो बहुत ही अपने इत्मीनान से अपने मन से जो है बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं। अब देखिए हम सब जानते हैं कि अगर टीवी की एडिटिंग में कमाल किया जाए तो अर्थ का अनर्थ बनाया जा सकता है, अनर्थ का अर्थ बनाया जा सकता है और अर्थ का अनर्थ बनाया जा सकता है। आपको ये देखने के बाद इस बात पर भरोसा हो गया होगा कि सरताज अजीज ने जो सीनेट के अंदर कहा था कि हमारे पास इकबालिया बयान के अलावा कोई और सबूत नहीं है दिसंबर साल 2016 को कुलभूषण यादव के खिलाफ, तो ये जो बात है ये कितनी पुख्ता बैठती है और अब कैसा लगता है इस पूरे मामले को अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें। देखिए दीपक जी, अगर पाकिस्तान के बारे में हम ये मानते हैं कि वो सच्चाई और किसी ईमानदारी से जांच करके और कोई बिल्कुल न्याय करेगा तो ये हमारी भूल होगी। जिस समय उसको पकड़ा गया था वो समय याद करिए, वो पठानकोट हमले का समय था जिसमें कि पाकिस्तान की टीम भारत में जांच करने आने वाली थी, उस समय इसको पकड़ा गया और पकड़ा गया तो उस समय कहा गया कि ये 12 बार अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान और उसमें प्रवेश कर चुका है। देखिए 2640 किलोमीटर का डुरंड लाइन है दीपक जी, और अफगानिस्तान से होके जेम्स बॉन्ड टाइप का कोई आदमी होगा वही 12 बार आ सकता है। हम लोगों ने जो फिल्म में कहानियां पढ़ी है सामान्य जिंदगी में कोई व्यक्ति 12 बार उसको पार कर जाए वो भी वैसी स्थिति में जबकि अफगानिस्तान में आतंकवादियों को रोकने के लिए जगह जगह उनकी फौज जो है चप्पे चप्पे पर खड़ी है, कभी भी पकड़ा नहीं गया। तो कुलदीप यादव का ये कबूलनामा जिसमें 358 सेकंड में 102 कट है उसमें उनसे कहा गया है कि बलूचिस्तान का नाम वो 2 मिनट 37 सेकंड के बाद लेते हैं, 40 सेकंड के बाद पहली बार वो भारत का नाम लेते हैं, तो ये बिल्कुल एक बना बनाया फौज का जो है ये केस है भारत पाकिस्तान संबंध को बर्बाद करने के लिए। लेकिन तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण है, कोई देश अपने जासूस को अगर कहीं भेजता है तो उसके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं देता है, क्या हमने कभी सुना है किसी जासूस के पास से पासपोर्ट निकला? दूसरा, क्या भारत इतना कच्चा खिलाड़ी है कि एक जासूस को भेजेगा और वो जासूस जो है तुरंत 24 से 48 घंटे में पूरी बात कबूल कर देगा कि हमने ये गड़बड़ी किया है? और तीसरी बात, बलूचिस्तान को तोड़ना और कराची और बलूचिस्तान में आतंकवाद भड़काने के लिए किसी एक व्यक्ति को भारत भेजेगा, इससे हास्यास्पद बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए अगर कुलदीप यादव का जो फैसला हुआ है अगर उसको सजा दी जाती है तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा वहां की फौज वहां की सरकार एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर रही है और भारत को चुनौती दे रही है कि आपको जो करना है करिए। ठीक है, शाजिया हमारे साथ जुड़ी थी, एक मिनट रखा, शाजिया हमारे साथ जुड़ी थी, शाजिया को हम लेने की कोशिश करेंगे। शाजिया, क्या आपको नहीं लगता कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है जो एमईए ने कहा है? क्योंकि उसके बाद मुझे पीजे मीर साहब को पास जाना है, आप भी उनको जानती है, और उनसे ये सवाल पूछना है कि भाई अगर यादव को आपने गिरफ्तार किया था, इतनी बड़ी साजिश रच रहे थे, बिल्कुल तो उनका साथीदार मिल जाता तो आप बताइए शाजिया। पाकिस्तान जो अपनी खुद की न्यायिक जो उसकी प्रक्रिया है उसका खुद का मजाक उड़ा रहा है, पर खच्चे उड़ा रहा है। आप सोचिए, जो आपने खुद इकबालिया बयान तथित तौर पर से जो इकबालिया बयान है वो भी इतने फोर और प्रोफेशनल तरीके से डॉक्टर करके बाकायदा दिया है, जिसमें बाकायदा एडिटिंग हुई है, बीच के फ्रेम्स मिसिंग है, जो कहा जा रहा है इकबालिया बयान है। दूसरी बात, जैसे कि आपने खुद कहा, सरताज अजीज ने कहा है कि इसके अलावा कोई भी प्रमाण नहीं है। तीसरी बात, तो बहुत जरूरी बात कि ऐसी चीज होती है बाकायदा वहां का आर्मी कोर्ट मार्शल करता है और इंडियन हाई कमीशन को इसकी इत्तला भी देनी जाती,
मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान अपना खुद का इतना मजाक क्यों उड़ा रहा है और इस तरह के मर्डर को दुनिया के सामने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्यों कमिट कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये ललकारना है और ये अननेसेसरी प्रोवोकेशन है भारत के लिए। मुझे लगता है आंतरिक तौर पर बलूचिस्तान में कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान मजबूरन तौर पर डिफ्लेक्ट करने के लिए इस चीज को मैं आग लगाकर इसको आग बढ़ावा दे रहा है ताकि एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से या एक बहुत बड़ी कठिन सिचुएशन को हम लोग ना देखें और जिसका ये करना वाकई में प्रीमेडिटेटेड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। मीर साहब, आपकी बात को मैं बड़ा वजन देता हूं, हमेशा से दिया है, हमने सैकड़ों डिस्कशन किए इस तरीके का। आपकी सोच की भी मैं कदर करता हूं कि इस तरह की बात पड़ोसी देशों के बीच नहीं होनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का रवैया हमेशा भारत को लेकर दोहरा रहा है। अब मैं उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता कि किस तरह से लाहौर बस जा रही थी और किस तरह से कारगिल का इंट्रूजन हो रहा था, मैं उन तमाम चीजों में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन सीधा सवाल कुलभूषण जाधव के मसले पर यह पूछना चाहता हूं कि क्या कारण था कि कुलभूषण जाधव के बारे में काउंसलर एक्सेस भारत हाई कमीशन को, भारतीय हाई कमीशन को नहीं दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं कि हम यहां सब बैठ के समझते हैं कि हम एस्पियोनेज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं दोनों साइड्स की बात करता हूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, क्योंकि यहां को उधर पकड़ा जाए तो यहां एक्सपर्ट्स बन जाते हैं और यहां पकड़ा जाए तो वहां एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। मत करिए, नहीं आप इक्वल मत निकालिए। नहीं, देखिए, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट। आई कैनॉट, होल्ड ऑन अ सेकंड। यू आर एन एम्बैरेसमेंट टू द होल कम्युनिटी पाकिस्तान, फिर समुदाय पर एक धब्बा है, आप इस स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? शाउटिंग इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। नो, व्हाई नॉट शाउटिंग? आप धीमे धीमे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक व्यक्ति को पूरा, जो हमारा पूर्व नेवी का ऑफिसर है, जिसके पासपोर्ट भारतीय है, जो ईरान में व्यवसाय करता है, आप उसको पकड़ के ले आते हैं और आप गांधी जी की बात कर रहे हैं? आप तो वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम पर एम्बैरेसमेंट है आप। और मेरे भाई, आप बात कर रहे हैं, मुझे बताइए, व्हाई वुड द पाकिस्तान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विस गो ऑल द वे इनटू ईरान एंड पिक अप दिस मैन एंड ब्रिंग हिम हियर? नहीं नहीं, तो पाकिस्तान की सेना ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर क्यों चढ़ा दिया, उसका क्या लॉजिक था? आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करो मेरे भाई। ये क्या पाकिस्तान की एजेंसी इतनी फारक बैठी है कि ईरान से पकड़ के लेके आए? एक मिनट, पाकिस्तान की एजेंसी कह रही है कि 12 बार उसने दुरंध रेखा को पार किया है। आप वहां के पाकिस्तान है, किसी धरती के किसी आदमी की हैसियत है कि 12 बार वो दुरंध रेखा को पार करके और बलूचिस्तान में घुस गए? और काजू जी, मुझे बताइए, व्हाट इज ही डूइंग इन बलूचिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस? अरे भाई, ईरान में वो स्क्रैप का बिजनेस करता है और उसी जगह करता है जो बलूचिस्तान से लगा हुआ है। चाबहार बंदरगाह पर उसका जाना आना है रेगुलर। ये किसने कहा कि बिजनेस करता है? ये किसने कहा है भाई? उसके फादर जो है पुलिस के ऑफिसर रहे हैं मुंबई में, आपको नहीं पता है? उसके फादर मुंबई के पुलिस के ऑफिसर रहे हैं, उसका पासपोर्ट का नंबर है पुणे का। मेरे भाई, बात कर रहा है, आप गलत चीज को डिफेंड ना करें, ना हमें करना चाहिए, ना गलत तर्क दे रहे हैं। आपको पत्रकार के नाते आपकी सेना के इस कदम का विरोध करना चाहिए। खत्म होगी बात, उसको डिफेंड कर ही जा रहे हो आप। वो पकड़ा गया है, इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि हमको सच्चाई मालूम है, पकड़ा जाता है कि हमारा देश तोड़फोड़ में कभी नहीं लगता है, आतंकवाद को बढ़ावा देने में नहीं लगता। एक मिनट, काजू साहब कुछ कहना चाहते हैं। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या ये हकीकत नहीं है कि उसको किडनैप करके लाया गया और बकायदा तालिबान ने उसको ISI को हैंडओवर किया और उसके बाद ये पूरा प्लॉट रचा गया? देखिए, कोई भी देश अपने रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर को इस तरह उसका प्रयोग नहीं करता है जासूसी के लिए, जिस तरह पाकिस्तान कह रहा है कि कुलभूषण जाधव ने किया। मेरा थोड़ा सा अनुभव इन मामलों में रहा है, जासूसी में नहीं, डिप्लोमेसी में रहा है, लेकिन उसके बेसिस पे, उसके बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूं। ये साफ है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा था और चाह रहा है कि जैसे वो आतंकवाद भारत में फैला रहा है 2 दशकों से ज्यादा, 3 दशक हो गए,
उसी तरह भारत भी पाकिस्तान में कर रहा है, खास तौर से बलूचिस्तान में। इसीलिए ये साजिश रची गई और कुलभूषण जाधव को वहां चाबहार से उन्होंने उसको अबडक्ट किया, किडनैप किया और लाए, और ये पूरा एक कंकॉक्शन बनाया गया है उसके खिलाफ। अगर ये नहीं होता तो उनको क्या संकोच था कि काउंसलर एक्सेस दे देते और खुफिया तरीके से नहीं, उसको ओपनली ट्रायल उसका करते अपनी अदालतों में और देश के सामने पूरी बात रख, देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पूरी बात रखते। दूसरी चीज मैं कहूंगा दीपक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है, किसी भी देश ने इस पाकिस्तान की कंकॉक्शन, जाधव के मामले और उसकी कंकॉक्शन को गंभीरता से लिया ही नहीं है। वो जानते हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, और खास तौर से ईरान ने, पाकिस्तान के जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे राहिल शरीफ, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से, जो कि पाकिस्तान के दौरे पे थे, कुलभूषण जाधव का मामला उठाया था और मुंह की खाई थी। राष्ट्रपति ने बिल्कुल, ईरान के राष्ट्रपति ने इसको दरकिनार कर दिया। वो इल्जाम ये लगा रहे थे कि कुलभूषण यादव ईरान की सरजमी का इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। आज तक उसकी पुष्टि ईरान ने नहीं की है। तो ये क्या सब बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद गलत बातें हैं। और जैसे मैंने कहा, ये तो मोदी जी को एक चैलेंज कर रहे हैं। अब हमें देखना यह है कि मोदी सरकार क्या करेगी, इसको किस तरह हैंडल करेगी। 30 सेकंड पीजे मीर साहब, आपके पास काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दी? देखिए, एक आदमी दीपक, एक आदमी खुफिया काम करता है और आप कहते हैं कि उसका एक पब्लिक ट्रायल करो। और भाई उसका काम ही खुफिया काम है, वो एक एजेंट है, वो एक स्पाई है, स्पाई का काम ये होता है और उसको उसी तरह डील किया जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है। आप मुझे बताएं, मीर साहब मुझे मालूम है चीजें, आप मेरे भाई किम फिल्म भी पकड़ा गया सर, आपको पता नहीं होगा। प्रोसेस की बात है, इस देश में पिछले 5 दशक में जितने बड़े खुफिया ऑपरेशन हुए हैं एमईए के थ्रू, उससे विवेक काजू जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। मेरे ख्याल से इनसे बड़ा तजुर्बा किसी और का नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग कंधारा। क्या बात है दीपक, के हर चीज पाकिस्तान पर ये मुद्दा पड़ जाता है, हिंदुस्तान दूध का धुला हुआ है। यार इस तरह की बातें ना किया करो, एक कॉमन सेंस की बात होती है। आप मुझे बताएं, किम फिल्बी रशियंस ने पकड़ा डबल एजेंट, क्या पब्लिक ट्रायल हुआ था उसका? मुझे बता दें आप, ये कभी पब्लिक ट्रायल नहीं होता, कोई भी हो, वेदर इट इज इंडिया, वेदर इट इज पाकिस्तान। किम फिल्बी रशियन एजेंट था, उसको वो अगवा करके ले गए, उसका ट्रायल वो क्यों करते? उसको अंग्रेज ट्रायल करके ले गए। अच्छी बात आप कर रहे हैं। ओके, देन द इंडियन गवर्नमेंट शुड आस्क द ईरानियन। क्या बात कर रहे हैं आप, जरा अपनी फैक्ट्स पहले देख लीजिए। चलिए, आप एलिगेशन लगा रहे हैं, हमसे क्या मतलब? तो ईरान का ईरानियन जानते हैं पाकिस्तान के बंदे आए थे, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। चलिए ठीक है, ठीक है, इसी 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 पर हम इस डिबेट को यहाँ पर विराम देते हैं। वक्त हमारे पास अफसोस इतना, लेकिन हमने इतनी बातें की पाकिस्तान के साथ, हर बात का जवाब हमको घुमा के मिला और इस सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं कि अगर कुलभूषण जाधव को पकड़ा गया तो फिर काउंसलर एक्सेस यानी भारतीय उच्चायुक्त को, उनसे के अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से उनकी हकीकत जानने की अवसर क्यों नहीं दिया गया। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।